12वीं में अगर आपने बाकी विषयों के साथ बायोलॉजी चुनी है तो MBBS जैसे एलीट कोर्स के अलावा भी सैकड़ों दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनको करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में अच्छा नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। 12वीं में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। यह एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी हालत में जरूरी माना जाता है। देश की इकोनॉमी डाउन हो, रिसेशन हो या कोई महामारी जैसा संकट हो, हर तरह के फील्ड में स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन मेडिकल लाइन में नहीं। मेडिकल फील्ड में वैसे तो कई कोर्स हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है MBBS। इसके अलावा डेंटल सर्जरी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नर्सिंग और बीफार्मा समेत कई ऐसे कोर्स हैं जो बारीक बात किए जा सकते हैं। हालांकि बायोलॉजी पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र MBBS की डिग्री लेने का सपना देखते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट होने की वजह से अगर MBBS में एडमिशन ना मिल पाए तो दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेकर भी शानदार करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं 12वीं के बाद MBBS और दूसरे डिग्री कोर्सेज के बारे में। पहला है MBBS। MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा वैल्यू इस कोर्स की है। इंडिया में डॉक्टर बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS है। MBBS 5.5 साल का कोर्स है और इसको करने के बाद MCI में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं। देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में MBBS करने के लिए नीट का एग्जाम पास करना होता है और इसमें मिले नंबरों के आधार पर देश भर में करीब 80,000 MBBS की सीटों पर एडमिशन मिलता है। MBBS में 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। MBBS कोर्स के दौरान थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई काफी बड़े स्तर पर होती है और इसको काफी टफ भी माना जाता है। सरकारी कॉलेज में MBBS की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फीस लाखों में होती है। इसलिए जब कोई MBBS करता है तो डॉक्टर बनने के बाद उसकी सैलरी भी लाखों में होती है। दूसरा BDS। BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह कोर्स 5 साल का होता है जिसमें 4 साल की पढ़ाई के अलावा 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होता है। BDS करने के लिए भी नीट का एग्जाम देना जरूरी होता है। DCI डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया यह BDS के कोर्स और पढ़ाई को रेगुलेट करती है। यह कोर्स करने के बाद सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरे मेडिकल संस्थाओं में डेंटिस्ट बन सकते हैं। डेंटल डॉक्टर की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। तीसरा BMS। BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह कोर्स 5.5 साल का होता है जिसमें 1 साल का ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। BMS में आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई की जाती है और इस कोर्स को करने वाले डॉक्टर आयुर्वेद के तरीके से पेशेंट का इलाज करते हैं। नीट का एग्जाम ही इस कोर्स में एडमिशन का क्राइटेरिया है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं। चौथा BHMS। BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS होम्योपैथिक की बैचलर डिग्री है और इस कोर्स को करने के बाद आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं। यह कोर्स भी 5.5 साल का है जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप शामिल है। इस कोर्स को करने के लिए भी नीट का एग्जाम देना पड़ता है। ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में होम्योपैथिक का डिपार्टमेंट होता है जहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। पांचवा BNYS। BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। यह कोर्स 4.5 साल का है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। इस कोर्स में नेचुरल थेरेपी और तमाम योगा और आसन के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिटनेस ट्रेनर या योगा ट्रेनर बन सकते हैं या नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं। छठा BPT। BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। 4.5 साल के BPT कोर्स में शरीर को फिट रखने वाली मसाज, एक्सरसाइज और मसल्स मूवमेंट से संबंधित पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। आजकल के टाइम में फिजियोथेरेपी की डिमांड बढ़ रही है। हर बड़े सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता ही है। सातवां पैरामेडिकल कोर्स। हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर के अलावा पूरी एक टीम होती है जो उनके साथ जुड़ी रहती है और पेशेंट के इलाज में मदद करती है। ये टीम को ही पैरामेडिकल टीम कहते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के रूप में होती है। पैरामेडिकल में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद आसानी से हेल्थ केयर सेंटर में जॉब पा सकते हैं। आठवां डिप्लोमा इन नर्सिंग। प्रोफेशनल कोर्सेज में एक पॉपुलर डिप्लोमा नर्सिंग का है। वैसे तो नर्सिंग फील्ड में कोई भी जा सकता है, लेकिन लड़कियां इस डिप्लोमा को ज्यादा प्रिफर करती हैं। देश भर में सरकारी हॉस्पिटल के अलावा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जहां नर्सों की डिमांड रहती है। ऐसे में 12वीं के बाद 3 साल नर्सिंग डिप्लोमा भी आपको अच्छा करियर दे सकता है। नौवां बीफार्मा। बीफार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। बीफार्मा 4 साल का कोर्स है और इसमें मुख्य तौर पर मेडिसिन, फार्मेसी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हेल्थ केयर के बारे में पढ़ाया जाता है। इस डिग्री को करने के बाद आप चाहे तो नौकरी कर सकते हैं या मेडिकल स्टोर का अपना बिजनेस कर सकते हैं। दसवां BSc।
BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस। अगर कम नंबर की वजह से आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए BSc का ऑप्शन भी है। साइंस से जुड़े कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 3 साल की BSc करके ग्रेजुएट की डिग्री पा सकते हैं। BSc के लिए बहुत सब्जेक्ट का ऑप्शन है, जैसे कि BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन फिजियोथेरेपी, BSc इन रेडियोलॉजी, BSc इन जूलॉजी, BSc इन बॉटनी, BSc इन पैथोलॉजी, BSc इन जेनेटिक्स, BSc इन एग्रीकल्चर। ये सारे सब्जेक्ट आपको BSc में मिलेंगे। अगर कम नंबर की वजह से आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।